फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित जैन और आज हम बात करते हैं एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट जिसका नाम है मरीन मास्क, उसके बारे में। हम सभी जब अच्छा दिखते हैं तभी तो अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन आजकल जो एक्टिव लाइफ है उसकी वजह से हमारी स्किन पे कई सारे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर हमारे स्किन के अपीरियंस पे हो रहा है। और एक अपीरियंस ही है जो सबसे पहले दिखता है। हम लोगों के डेली रूटीन की वजह से हमारी स्किन के ऊपर एज स्पॉट्स आ जाते हैं, फाइन लाइंस आ जाती हैं और डल और ड्राई स्किन हमारी होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, स्किन पे पिगमेंटेशन आ जाती है। एक अच्छी क्वालिटी का केमिकल फ्री नेचुरल फेशियल मास्क आपके स्किन को ब्राइटर कर सकता है, हेल्दी कर सकता है और उसके बाद आपकी स्किन पे जो डेब्रीज हैं उनको क्लियर करने का काम करता है, साथ में आपके पोर्स को खोलता है और जो हेयर फॉसिल्स हैं उनको क्लियर करने का काम करता है। तो हमारे इस बेहतरीन प्रोडक्ट के अंदर सी कैल्प है, जो दुनिया की सबसे पुरानी स्पीशीज के अंदर पाई गई है। डीप सी कैल्प के अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ पाई गई हैं, क्योंकि ये मिनरल्स से भरे हुए माहौल के अंदर पैदा होता है और वहीं से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। और इसमें ना बैलेंस प्रॉपर्टीज़ के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, आयोडीन और जिंक। फॉरएवर ने इसको अपने प्रोडक्ट के अंदर ब्लेंड किया। इसके पीछे रीज़न क्या था? इसके पीछे रीज़न था कि ये जो सी कैल्प होता है ये बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर होता है, स्किन में जितनी भी गंदगी होती है उसको साफ़ करने का काम करता है, साथ में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है और जो टॉक्सिन्स हैं उनको एलिमिनेट यानी वहाँ से बाहर निकालने का काम करता है। इसमें साथ ही जो दूसरा सब्सटेंस डाला गया है उसको बोलते हैं एल्गी यानी काई। समुद्री काई की खास बात होती है कि ये जो सी वाटर होता है उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है, साथ ही जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाने का काम करती है और साथ में स्किन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, स्किन को ऑक्सीजन से भरने का काम करती है, जिसके कारण जो स्किन में जो टॉक्सिन भरे हुए हैं वो सारे के सारे एलिमिनेट यानी बॉडी से बाहर हो जाते हैं, स्किन से बाहर हो जाते हैं। और साथ में ये स्किन के अंदर एक टाइटनिंग इफ़ेक्ट भी देती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन टोन हो जाती है और ये हमारी स्किन को रेजुविनेट करती है और एनर्जाइज करती है स्किन के सेल्स को। इसमें जो तीसरा सब्सटेंस है उसको बोला जाता है हनी, द प्योर बी हनी। हनी स्किन को रेजुविनेट तो करता है, साथ में मॉइस्चराइज भी करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन स्मूथ हो जाती है, ग्लो करती है। साथ में हनी जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, साथ में उसको रिटेन करने का काम करता है, जिसकी वजह से स्किन हाइड्रेट रहती है और फ्रेश रहती है। ये बड़ा ही इफ़ेक्टिव होता है एक्ने ट्रीटमेंट में। और साथ में हनी को जब आप अप्लाई करते हैं तो ग्लो भी देता है स्किन पे और साथ में आपकी स्किन को सॉफ्ट भी करता है। इसके साथ कंपनी ने इसमें रोजमेरी एक्सट्रैक्ट यानी रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को भी इसमें ब्लेंड किया है, जो हमारी कैपिलरीज को मजबूत करने का काम करता है। ये रोजमेरी ऑयल अपने आप में ही एक्सीलेंट टोनर होता है और बाइंडर होता है, जिन लोगों की स्किन लटक जाती है, लूज हो जाती है, उसको टाइट करने का काम करता है। साथ ही ये हमारे स्किन के अंदर ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, जिस वजह से जो पफनेस है, जो स्वेलिंग है स्किन में वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है, तो आपकी स्किन फर्म हो जाती है और एक बेटर स्किन टोन हो जाती है आपकी। इन सब के साथ इसमें कुकुम्बर का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है। कुकुम्बर में नेचुरली ही 90% से ज़्यादा वाटर होता है और साथ ही ये एक बहुत अच्छा कूलिंग एजेंट है स्किन के लिए। ये स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ करने का काम करता है, साथ में स्किन को सॉफ्ट करता है और लचीला बनाता है। इसको अप्लाई करने से आपकी स्किन मॉइस्चर हो जाती है, सूद हो जाती है, साथ में आपके जो पफ्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और डेड सेल्स क्लीन होने शुरू हो जाते हैं, साथ में आपकी स्किन टाइट हो जाती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, साथ में डीप क्लिनजिंग करता है, रीस्टोर करता है, रीप्लेनिश करता है आपकी स्किन को, साथ में आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है और आपकी स्किन का जो नेचुरल टेक्स्चर है वो बाहर निकल के आता है।
ये मास्क एलोवेरा की वजह से पेनिट्रेटिंग होता है, तो जो आपकी स्किन को रिफ्रेश करता है और साथ में रिवाइटल भी करता है। और इसको बड़े ही आसान तरीके से आप अपनी स्किन पे अप्लाई भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपना चेहरा साफ कर लीजिए। इसके बाद अपनी उंगलियों से ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ स्किन पे इसको आपको अप्लाई करना है। फिर थोड़ी देर के लिए, लगभग 15 से 20 मिनट के लिए, आप अपने चेहरे को सूखने दीजिए और गुनगुने पानी से और साथ में एक सॉफ्ट तौलिए से अपने चेहरे को आपको साफ करना है। इसके बाद हफ्ते में इसको 2 से 3 बार लगा लीजिए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आएंगे। तो इस बेहतरीन प्रोडक्ट को आप यूज़ कीजिए और अपने दोस्तों को यूज़ कराइए। और नेक्स्ट टाइम मैं एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों से फिर से मिलता हूँ। मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय। हे फ्रेंड्स, मेरा